महाराष्ट्र में कपास की खेती करने वाले किसानों की समस्याएं खत्म नहीं हो रही। पहले बारिश के कारण कपास की फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, फिर सीजन की शुरुआत में ही किसानों को कम भाव मिला। वहीं अब जब कपास की कीमतों में थोड़ा सुधार होता नजर आया तो फसलों पर गुलाबी सुंडी कीटों का अटैक तेजी से बढ़ गया। राज्य के खानदेश में करीब 2 लाख हेक्टेयर कपास का रकबा खाली हो चुका है। गुलाबी सुंडी के संक्रमण, कपास की घटती क्वालिटी और कीमतों में अनिश्चितता के कारण कई किसानों ने इस सप्ताह ही जल्दी फसल काट ली है। इस साल भी मध्यम भूमि में किसानों द्वारा मात्र 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन किया गया है। आपको बता दें कि राज्य के कई जिलों में भारी बारिश के कारण कपास की फसलें बड़े पैमाने पर बर्बाद हो चुकी हैं। किसानों का कहना है कि खरीद लागत 20 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। एक मजदूर 250 रुपए प्रतिदिन लेकर 5 से 6 किलो कपास चुनता है। खर्च बढ़ गया है, दूसरी ओर कपास का भाव स्थिर नहीं है। इसके चलते किसान अन्य दूसरी फसलों की ओर रुक कर रहे हैं। इस समय कई मंडियों में कपास की कीमतों में सुधार दिखाई दिया है, लेकिन किसानों का कहना है कि इसका सभी किसानों को लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत से किसानों के पास कपास बेचने के लिए बचा ही नहीं है। बारिश को की वजह से क्वालिटी खराब हो चुकी है। वहीं कपास पर कीटों का अटैक बढ़ता जा रहा है। इससे परेशान किसानों ने फसलों को खुद ही नष्ट करने पर मजबूर हो चुके हैं। किसानों का कहना है कि पिछले 8 से 10 दिनों में फसल पर दवाइयों के छिड़काव के बावजूद पिंक बॉलवर्म बढ़ गया है। खान देश में हर साल 9 से 9.5 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती होती है। इस वर्ष जलगांव जिले में 5,65,000 हेक्टेयर, धुले में 2.5 लाख हेक्टेयर तो नंदुरबार में लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती की गई है। इसमें लगभग 1,52,000 हेक्टेयर में प्री सीजन कपास की फसल है। कम से कम 2 लाख हेक्टेयर में इस फसल की कटाई हो चुकी है। साथ ही शुष्क क्षेत्र में कपास की फसल में गुलाबी सुंडी भी देखी गई है। अनुमान है कि इस साल भी उत्पादन में फिलहाल कमी आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।